लिखा है मती पंद्रह तेरह में हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया क्या लिखा है उखाड़ा जाएगा right? राइट उखाड़ा जाएगा अब इसको देखो लिखा है उखाड़े हुए पौधे कौन से पौधे उखाड़े हुए पौधे इसको एक्सपोज करो एक्सपोज करो इसको एक्सपोज करो इसको एक्सपोज कौन करेगा मैं सबको पूछ रहा हूं इसको एक्सपोज कौन करेगा किसको ये पौधे को एक्सपोज कौन करेगा इसको एक्सपोज कौन करेगा यस निर्जलाज बिल्कुल सही कहा सब लोग अपना हाथ लो और अपनी तरफ करो अपनी तरफ करो मुझे दिखना चाहिए अपनी तरफ करो इसको एक्सपोज कौन करेगा यह पौधा कब का उखड़ा हुआ ये भेड़िया कब का भ्रष्ट हो चुका है ये आपके चर्च में कब का आ चुका है इसको एक्सपोज कौन करेगा मैं वापस कहता हूं इसको एक्सपोज कौन करेगा अपनी उंगली अपनी तरफ करो डैनियल राज नहीं करेगा मैं कहां तक करूं और तब जाकर मैंने ये पोस्टर रखा है देख लीजिए अगर अपनी भेड़ों को बचाना है याद आ गया फोटो अगर अपनी भेड़ों को बचाना है तो हाथ में डंडा उठाना होगा हाथ में डंडा उठाना होगा लिखा है योना दस का बारह से तेरह जॉन चैप्टर टेन वर्स ट्वेल्व एंड थर्टीन कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई हाथ में डंडा हम क्यों उठाएं तो तुम्हारे लिए वचन लिखा है मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है भेड़िए को आते भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है भेड़िया उन्हें पकड़ता तितर बितर कर देता है अब इसको देखो वह इसलिए भाग जाता है कौन चरवा वो इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं लेकिन यीशु कहता है दस का पंद्रह में इसी में कहता है मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूं आई गिव माई लाइफ फॉर द शिप्स ये तो भेड़ों के लिए मर गया तो क्या आप डंडा भी नहीं उठा सकते ये शु जान दे गया आप एक छोटा सा वीडियो नहीं बना सकते ये शु क्रूस पे मर गया इस भेड़ियों को शीप को इस भेड़िए से बचाने के लिए ताकि शीप सुरक्षित रहे यीशु ने जान दे दी आपको इतनी तकलीफ है कि यीशु के लिए खड़े हो जाएं कि खबरदार भेड़िया अगर तू मेरे टेरिटरी में आया खबरदार अगर तू मेरे चर्च में घुसा अपनी गलत शिक्षाओं को ऐसे डंडा नहीं उठा सकते यूट्यूब वालों वाह इसलिए लिखा है कि उसको चिंता नहीं है इसलिए वो भाग गया मजदूर है ना भेड़ों का मालिक थोड़ी है भेड़ों का लिए जान थोड़ी दे सकता है लेकिन एक था साहब जिसने अपने भेड़ों के लिए अपनी प्राण दे दी अब इसको देखे बीस का अट्ठाइस इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो इसलिए डंडा रखा हो लिखा है इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की कौन सी झुंड आपकी झुंड आपका घर आपका झुंड है आपके डिसाइपल्स आपके झुंड है आपका चर्च आपका झुंड है जिसको आप लीड कर रहे हैं वो आपका झुंड है और इसलिए जिसके हाथ में डंडा होता है ना उसके दूसरे हाथ में चॉकलेट नहीं होता साहब जिसके हाथ में डंडा होता है ना उसका मुंह उसका चेहरा उसकी पर्सनैलिटी सेंटा क्लॉस के बाबा की तरह नहीं होती वो सख्त होता है उसके चेहरे पे एक शिथक होती है उसके चेहरे पे गुस्सा होता है और वो खबरदार करते रहता है कि अगर मेरे टेरिटरी में घुसे इसलिए लिखा है झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने किसने पवित्र आत्मा ने याद आ गया पवित्र आत्मा कैसे प्रीचर चाहता है ऐसे प्रीचर पवित्र आत्मा क्या कहता है निरुत्तर करो कन्विक्ट करो ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया अध्यक्ष का मतलब बिशप नहीं रेवरेंट नहीं अ, आ, सोफा पे बैठना पानी का ग्लास मंगाना और चेलों से अपने पैर दबवाना और खूब पैसे कमाना नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं ये नहीं है वो अध्यक्ष लिखा है पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है लिखा है कि लिखा है कि तुम परमेश्वर की कलिसिया की रखवाली करो बापरे 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 लिखा है तुम कलिसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है लहू से मोल लिया है मैं कुछ सेकंड रुक रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में यह वचन लिखा है आत्मा चाहता है कि तुम डंडा उठाओ पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम अध्यक्ष बनो पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम्हारी बातें ऐसी हो कि भेड़िया भाग जाए रमन साहब आ रही है ना बात समझ में ऐसा सुरेश साहब सोलमन साहब आप लोग जितने भी देख रहे हैं मैं सबको कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा ने कलिसिया में अध्यक्ष बनाकर आपको रखा ही इसलिए है कि तुम कलिसिया की रखवाली करो पैसे कमाने के लिए नहीं रखा आपको फेमस होने के लिए नहीं रखा आपको अमेरिका घूमने के लिए नहीं रखा आपको परमेश्वर के कलिसिया को नोच नोच के खाने के लिए नहीं रखा यह सर नो लिखा है रखवाली करो आपको डरना किसी के भी बाप से नहीं है जब यीशु की डंडा वचन का डंडा आपने उठा लिया आपको डरना किसी के बाप से नहीं है नहीं डरना मैं सबसे बात कर रहा हूं नहीं डरना किसी से नहीं डरना एक चीज क्राइस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं दुखद है अच्छा नहीं है अपने देश के सिपाही थे कम से कम 22 लोग मर गए आपको याद होगा इसी भारत के छत्तीसगढ़ के नक्स लाइट एरिया में बीजापुर के पास कम से कम 22 शहीद हो गए 22 जवान शहीद हो गए दुखी बात है लेकिन जब मैं उनका इंटरव्यू मतलब टीवी पे, उनकी फोटो उनकी डेड बॉडी उनकी पार्थिव शरीर को जब भारत में माफ करें उनके घरों पर उनको जो है विदाई देने के लिए लाया गया तो फोटो जब देख रहा था एक एक की कोई 20 साल का कोई 22 साल का कोई 30 साल का कोई 40 साल का खम ऐसी छोटी छोटी उम्र में ये लोग मर गए किस के लिए देश के लिए किस के लिए सुरक्षा के नाम पे मर गए तब मैं सोचा क्या हासिल किया इन्होंने क्या क्या कर रहे थे सुरक्षा कर रहे थे नक्सलाइट से बचा रहे थे देश को और जिसके चलते जान दे दी उनके घर के लोगों को पूछेंगे ना कि भाई आपका बेटा मर गया भाई मर गया आपका पति मर गया दुख है वो क्या कह रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे देश के लिए मर गया मेरी बत्ती जली सोचिए आप और मैं पृथ्वी पर जीते हैं यशु के सेवक बन गए और ऊपर से कितनी शिकायतें प्रॉब्लम है मैं क्या करूं करू? करू? अगर ऐसा उनकी उम्र में सोचा होता तो वो देश की रक्षा कहां से करते बताइए यहां पे हम लोग दुख उठाकर परमेश्वर के लिए सेवा करने के बजाय शिकायतें कर रहे हैं शिकायतें फिर कहते हैं कल को मर गए तो घर का क्या होगा फैमिली का क्या होगा इसका क्या होगा उसका क्या होगा जो मर गए बाईस लोग उन्होंने एक बार भी सोचा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं उनके उन्होंने सोचा होगा मेरी लड़की का स्कूल का, का क्या होगा फीस का क्या होगा इसका क्या होगा उसका क्या होगा आपको पता है वो किसके सारे छोड़ के गए देश के वो सारे लोग जो मर गए यहाँ के देश के नागरिकों के हाथों या फिर यहाँ की गवर्नमेंट के अथॉरिटी के हाथों अब आप सोच के देखो हम किसके लिए मर रहे हैं ऊपर के गवर्नमेंट के कारण हम किस के लिए मर रहे हैं यशु जो हमारा राष्ट्रपिता पति या किंग का किंग राजाओं का राजा उसके लिए मर रहे हैं। किसी के बाप से नहीं डरना किसी के बाप से नहीं डरना सेवा करना है डंके की चोट पे करो तभी लिखा है प्रकाश इक्कीस का अट्ठाइस आठ में डर पोंख या डर पों टोटल नहीं डाला हूं सिर्फ इतना टुकड़ा डाला हूं डर पोंख उस झील में मिलेगा जो आग और गंदक से जलती रहेगी ये दूसरी मृत्यु है तो ये कौन से डर पोंख है ये वो नहीं है जिनको बाहर भूत बंगला या फिर छुड़ेल या दुस्तात्मा ना 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 ये वो डरपोख है जो वचन से डरते हैं ये शु ने क्या कहा अगर मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा याद आ गया कि नहीं आ गया